मोर आपके लिए नई स्मार्ट कॉलिंग वॉच लेके आया है जिसका मॉडल नंबर है गिज़फिट 910। हम यहाँ पे बैक देखते हैं स्पेक्स फीचर्स जो बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, अब हम चलते हैं वॉच के ऊपर। ये है हमारी रिमूवेबल स्ट्रैप, एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी हम प्रोवाइड करते हैं जो परचेजेबल है। अब ये आता है राउंड स्क्रीन मल्टीपल डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपके पास मल्टीपल डिस्प्ले हैं, आप डिफरेंट डिस्प्ले लगा सकते हैं। और ये है हमारा मल्टी फंक्शंस डिस्प्ले, फंक्शंस हैं यहाँ पे सारे, आप देख सकते हैं। स्लाइड करके किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके फंक्शन में जा सकते हैं। साइड में आपका पुश बटन आता है जो बैक और पावर ऑन पावर ऑफ के काम आएगा। ऊपर देखेंगे यहाँ पे हमारा कनेक्टिविटी के ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद स्लाइड अब ऊपर करते हैं तो यहाँ पे कैलोरी, हर्ट रेट और जो भी आपके स्लीप मॉनिटरिंग है, वेदर अपडेट है, कॉलिंग है, बीटी कॉलिंग एंड स्पीकर है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलो अब चेक करते हैं कनेक्शन के। हम वाईफिट ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐड डिवाइस पे जाएंगे, गिज़फिट 191 को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे। डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे हम परमिशन देंगे सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशन को टर्न ऑन करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है ऑलरेडी, और साथ ही साथ सारे रिमाइंडर्स कॉल को ऑन करेंगे। अब हम देखते हैं बीटी सेटिंग्स में बीटी को कैसे पेयर करना है फॉर कॉलिंग ऑप्शन। यहाँ पे दोनों को टर्न ऑन करेंगे, उसके बाद ब्लूटूथ मोड पे जाएंगे, ब्लूटूथ मोड पे जाएंगे, वहाँ पे हम सर्च न्यू डिवाइस करेंगे, वहाँ पे एक आएगा गिज़फिट 910, उसको कलेक्ट करेंगे। जैसे हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे ये आइकन बनाएगा, ये बन जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कनेक्ट होगा आपको यहाँ पे परमिशन देना है कॉन्टैक्ट शेयरिंग का। जैसे आप कॉन्टैक्ट शेयरिंग का परमिशन देंगे यहाँ पे आपके वॉच में कनेक्ट डिसकनेक्ट आंसर आंसर डिक्लाइन दोनों आप दे सकते हो। जैसे इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर डायल किया है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे आप मैं ब्लूटूथ या एज़ अ ब्लूटूथ प्रोडक्ट काम करेगा, आप दोनों को कनेक्ट चेंज कर सकते हो। और आप यहां से कमांड दोगे तो आप देख सकते हो कि ये डिसकनेक्ट हो रहा है कॉल। ये है फंक्शंस हमारे गिज़फिट 910। इसमें हम देखेंगे म्यूज़िक कंट्रोल फ्रॉम गिज़फिट 910। इसको जब बीटी सेटिंग से पेयर करने के बाद मैं वॉल्यूम चेंज कर पा रहा हूँ स्पीकर का एंड माय फोन। गिज़फिट 910 के कनेक्शन प्रोसेस, पहले आप ऐड डिवाइस में जाके आपके ब्लूटूथ से इसको पेयर कर लेना है और उसके बाद बैकग्राउंड के सारे परमिशन को आप ऑन कर देंगे, उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग को रिमाइंडर को ऑन कर देंगे तो जिससे कि कॉल के सारे रिमाइंडर आएंगे। अब हम देखेंगे कॉल के वॉच को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिससे कि कॉल को हम डिक्लाइन एक्सेप्ट और डायलर से कैसे ऑन करेंगे। यहाँ पे हमने कॉल ऑन कर दिया जो ब्लूटूथ मोड है, जो एज अ स्पीकर ब्लूटूथ वॉच स्पीकर भी काम करेगा और एज अ कॉलिंग वॉच भी काम करेगा। जब हम इस डायलर को ऑन कर देंगे उसके बाद ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे हम न्यू पेयर सर्च करेंगे जहाँ पे हमारा दिखाई देगा गिज़फिट 910। 910 का जैसे पेयर करेंगे, पेयरिंग आफ्टर पेयरिंग सक्सेसफुल, वो एज अ हमारे जैसे नॉर्मल बीटी स्पीकर की तरह भी वर्क करेगा। अब हम पहले देखेंगे एक बार बीटी एज अ स्पीकर फंक्शन करके, उसके बाद हम कॉलिंग फंक्शन देखेंगे। तो अब हम चेक करते हैं इसके स्पीकर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ, अब स्पीकर में से साउंड आ रहा है, म्यूज़िक आ रहा है। ठीक है, और साइड में पुश बटन है जिससे कि आप स्क्रीन को वेक अप तक कर सकते हो या रिस्ट मूवमेंट से वेक कर सकते हो। देखा आपने जैसे रिस्ट मूव किया और उसने वेक अप किया। अब इसमें आप जो भी बटन्स हैं जैसे वॉल्यूम है, आप फ़ोन का और वॉच का दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब आप इसके कंट्रोल देखेंगे, जैसे आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो स्क्रीन में कंट्रोल भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट सॉन्ग हो गया और प्रीवियस से प्रीवियस सॉन्ग एंड प्ले पॉज। अब देखते हैं हम इसके कॉलिंग के लिए। कॉलिंग के टाइम जैसे भी किसी का कॉल आएगा तो जस्ट वॉच को एक रिमाइंडर आएगा,
जैसे इसमें फ़ोन आया है, अब यहाँ पे इसका फ़ोन आया है और फ़ोन पे आप देख सकते हैं। अब जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लूँगा इट विल वर्क एज अ लाइक वॉच, आप इससे आंसर कर सकते हो, आप इससे वॉच का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो और साथ में इसे डिक्लाइन कर सकते हो। ये है कॉलिंग वॉच का फंक्शन। अब साथ ही में हम इसको डायल भी कर सकते हैं, जहाँ पे डायल ऑप्शन है जाके वहाँ पे डायल किया नंबर और डायल करके अब देख सकते हो ये ऑटोमेटिक स्क्रीन को वेकअप कर देता है, फ़ोन के स्क्रीन को वेकअप कर सकता है। और यहीं से आप डायल करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकते हो और साथ में स्पीकर जो आपके वॉच में लगा है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। अब देखते हैं हम इसमें जो हमारा GPS राउटिंग मेथड है, जैसे हम स्पोर्ट्स मोड में जाएंगे उसको ऑन करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एक